गौतम बुद्ध नगर पुलिस लगातार अपराधियों पर नकेल कसने के लिए चेकिंग अभियान चला रही है। पुलिस की सख्ती देख बदमाशों के हौसले पस्त पड़े हुए हैं। कोतवाली सेक्टर 58 पुलिस ने हाल ही में मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। वहीं क्रिसमस और नववर्ष के उपलक्ष्य में शराबियों पर नकेल कसने का अभियान बदस्तूर जारी है। कोतवाली सेक्टर 58 पुलिस सोमवार देर रात लेबर चौक पर चेकिंग कर रही थी, तभी एक संदिग्ध मोटरसाइकिल आती हुई दिखाई दी। पुलिस ने उसे रोकने का प्रयास किया। पुलिस को देखकर बाइक चालक भागने का प्रयास करने लगा। पुलिस ने उसका पीछा किया तो उसने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने पीछा करते हुए डी पार्क के पास उसे गिरफ्तार किया है। पुलिस की फायरिंग में उसके पैर में गोली लगी है। उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान अमन यादव पुत्र अजय निवासी गढ़ी चौखंडी के में हुई है। पुलिस ने उसके पास से 3 मोबाइल, 1 केटीएम बाइक, 1 तमंचा, 1 जिंदा व 1 खोखा कारतूस बरामद किया है। गिरफ्तार अभियुक्त पर इटावा जनपद में 2 और गौतम बुद्ध नगर में 5 आपराधिक मामले दर्ज हैं। गौरतलब है कि पुलिस आयुक्त गौतम बुद्ध नगर लक्ष्मी सिंह के निर्देश पर यातायात एवं नागरिक पुलिस द्वारा शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस विभाग द्वारा 9 टीमों का गठन किया गया है। ये टीमें लगातार वाहनों की जांच कर रही हैं। बीते दिन 495 वाहनों की जांच की गई, जिसमें 8 वाहन चालक नशे की हालत में पाए गए। सभी वाहनों को सीज कर दिया गया है और चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। आज देर रात्रि सेक्टर 58 की पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सेक्टर 58 की पुलिस सेक्टर 62 पार्क के पास चेकिंग कर रही थी, अचानक एक लड़का मोटरसाइकिल से संदिग्ध आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस पार्टी के द्वारा उसे रोकने का प्रयास किया गया। उसने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की। आत्मरक्षार्थ फायरिंग में वो बदमाश घायल हुआ। घायल बदमाश की पहचान अमन यादव के रूप में हुई है, जो गढ़ी चौखंडी नोएडा का रहने वाला है। इसके विरुद्ध आधा दर्जन से अधिक मुकदमे पंजीकृत हैं। इसके पास से एक तमंचा बरामद हुआ है, जो घटना में प्रयुक्त हुआ। एक मोटरसाइकिल बिना नंबर की बरामद हुई है। 3 मोबाइल बरामद हुआ है, जो पूछताछ में इसने बताया कि इसके द्वारा लूट किया गया था और चोरी किया गया था, जिसकी पहचान की जा रही है। मोटरसाइकिल की भी पहचान कराई जा रही है। घायल को उपचार हेतु भेज दिया गया है। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।